जेलम के रास्ते में जाते हुए गाड़ी भी वॉश करवा ली। पीछे उसकी सफाई हो रही है और मेरे साथ है कासिम। कासिम क्या हाल है? अल्लाह ताला शुक्र सर, आप ठीक हैं? एवन सर। तो आज सफ़र कैसा गुजरेगा? मज़ेदार, आपके साथ मज़ेदार ही गुजरता है। चलें दोस्तों, हम रास्ते में जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे और जेलम तक का सफ़र हमारे साथ करें। दोस्तों मैंने यह गाड़ी धुलवाई है, अली हसन साहब इधर आए, इन्होंने बड़ी अच्छी मेरी गाड़ी धोई है, ये काला शिकागो के पास। अब मैं इनको पैसे दे रहा हूँ तो ये पैसे नहीं ले रहे। नहीं तो आप क्यों नहीं ले रहे? प्यार है हमारा। क्यों प्यार है आपसे? किस वजह से? बस ये परिजात की वजह से। दोस्तों ये अली हसन मुझसे पैसे नहीं ले रहे परिजात की वजह से। अली हसन बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरी गाड़ी धोई है और इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। और दरअसल 200-400 रुपए की बात नहीं है, अली हसन का जो ये प्यार है ये है अनमोल, और ये है वो प्यार जो पूरा पाकिस्तान इफ्तिखार इफ़ी से कमाली से करता है। और अली हसन आपको अल्लाह ताला बहुत दे, आपका शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया। और दोस्तों ये वो प्यार है जिसका मैं मोल नहीं दे सकता। मैं कामोगी के इलाके से गुजर रहा हूँ और कामोगी की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। काम सिंह विर्क, जी हाँ, ये नाम था उस शख्स का जिसने इस इलाके को कामोगी को आबाद किया था। और ये दौर था अकबर आज़म का, और अकबर आज़म के दौर में कामोगी का ये इलाका आबाद किया गया। और मैं आपको बताऊँ इसकी बड़ी ख़ासियत के ये पूरे खित्ते के अंदर चावलों के हवाले से बहुत बड़ी एक मार्केट थी भी और आज है भी, और इसकी तारीख बहुत पुरानी है। और काम सिंह को कामो पुकारा जाता था, उसका निकनेम, जिस तरह इफ्तिखार से इफ़ी है और रशीद से शीदा होता है। और कामो की कब्र जो है वो कामो सिंह की जो कब्र है वो कामो की शहर में थी, अब है या नहीं, लेकिन मैं क्योंकि अभी जी टी रोड से गुजरा हूँ तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उस कब्र पे भी जाऊंगा और उसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे। और मैं इस वक्त कामोगी से गुजर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कामोगी के हवाले से आपको ये तारीखी एतबार से जो इसकी अहमियत है वो आपको बताऊँ। कामोगी के बाद ये गुजरावाला टूल प्लाजा आता है और फिर हम गुजरावाला की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए जब आप ग्रैंड ट्रंक रोड पर मतलब जीटी रोड पर जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी आप सफ़र करते हैं तो कामोगी के बाद एक इलाका आता है जिसका नाम है खानपुर सांसी। जी आप सोचेंगे खानपुर सांसी है क्या? दोस्तों ये नाम है गुजरावाला का पुराना नाम है। और ये अगर आप देख सकें, ये देखें चंदा किला गुजरावाला इंतजामिया, और ये उसकी एंट्रेंस है आप देख सकते हैं। दोस्तों गुजरावाला पहलवानों का शहर है, जहाँ यहाँ बड़े नामवर पहलवान इस शहर ने पैदा किया। और मज़े की बात लाहौर में, और इसमें एक बात मुश्तरक वो ये है कि लाहौरिये, हम लाहौरिये भी खाबा गिर हैं और गुजरावाला के रहने वाले शेर दिल भी खाबा गिर हैं। खानों के हवाले से बहुत मशहूर है, यहाँ सनतें भी हैं, यहाँ बर्तनों का काम भी होता है, यहाँ गंदम भी उगती है इसके गिरद नवा में, यहाँ दूसरी फसलें चावल भी होता है, कपड़े का भी काम है यहाँ। लेकिन क्योंकि ये पहलवानों का शहर है और पहलवानों का खूबसूरत इन वो शहर जिसने बड़े बड़े नामवर पहलवान पैदा किए, जी हाँ गुजरावाला इस हवाले से बड़ा मशहूर है। और मैं आपको बताऊं कि कराची के बाद ये पाकिस्तान का पांचवा बड़ा शहर है गुजरावाला। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसका नाम है पहलवानों मॉन्यूमेंट, पहलवानों मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट ने इस जगह का नाम रखा। ये दो पहलवान हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं और ये दरअसल शहर में दाखिल होने वाले दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को याद दिलाते हैं कि रुस्तम जमा अच्छा पहलवान, रहीम बख्श पहलवान और यूनस पहलवान, ये तीन इतने बड़े नाम हैं जिन्होंने इस खित्ते का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये जो पहलवानों के स्टैचूज लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जब आप शहर में दाखिल हों तो ये पहलवानों के दो स्टैचू आपका इस्तकबाल करें और आपको याद रहे
कि ये है वो शहर गुजरांवाला, शेर दलेरों का शहर, जिन्होंने इतने इतने बड़े पहलवानों को जन्म दिया। गुजरांवाला बड़ा तारीखी शहर है, तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो ये भी सदियों पहले आबाद हुआ था। लेकिन एक बात बताता हूँ कि रंजीत सिंह जो है वो यहाँ गुजरांवाला में पैदा हुआ था, ये उसकी बर्थ प्लेस है और इंडस्ट्रियल एरिया ये, और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जो पाकिस्तान की जीडीपी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर फनकार हैं उनका ताल्लुक यहाँ से है, मिसाल के तौर पे बब्बू बराल साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से, उसके बाद अमानुल्लाह साहब द ग्रेट का ताल्लुक गुजरांवाला से, और हमारे लिविंग लेजेंड सुहेल अहमद जिनको आप अजीजी के नाम से जानते हैं उनका भी ताल्लुक इसी शहर से है। लेकिन इस शहर की बहुत सारी खूबियाँ मैं बयान कर सकता हूँ क्योंकि ये शहर है इस काबिल, और ये शहर इस हवाले से खूबियों के काबिल नहीं है कि ये एक बहुत तारीखी शहर है, बल्कि इस हवाले से है कि गुजरांवाला के शेर दलेर जवान यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इसको आबाद कर रखा है वो बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े दयालु लोग हैं, बड़े जेनरस हैं, बड़े सखी बादशाह हैं। तो ये शहर मुझे इस हवाले से बहुत पसंद है कि यहाँ सखी दिल लोग रहते हैं, और उन सखी दिल लोगों में आज एक शख्स जो रहता है उसका नाम है सुहेल अहमद। गुजरांवाला गोल्डन ट्रायंगल, जी हाँ, इसको गोल्डन ट्रायंगल इसलिए भी कहा जाता है कि इसके करीब दो बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, एक सियालकोट और दूसरा गुजरात। गुजरांवाला कराची के बाद तीसरा बड़ा शहर है जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, और गुजरांवाला बहुत तरक्की कर चुका है पिछले 20 साल में, और यहाँ की सड़कें, यहाँ के बाग, यहाँ की मार्केट्स, दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड्स अब आपको गुजरांवाला में मिलते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग गोल्डन हार्ट रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो वो भी कब्र की दीवार तक, और अगर दुश्मनी करते हैं तो वो भी कब्र की दीवार तक। गुजरांवाला, गुजरांवाला के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ है, और वो हमारे जब हम जवान थे या हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो यहाँ बस रुका करती थी जब हम पिंडी या मरी जाया करते थे, और यहाँ से हम खाया करते थे बाबे की कुल्फ़ी, और वो बड़ी मज़ेदार, बड़ी जायकेदार होती थी। और अगर गुजरांवाला से गुजरते हुए बाबे की कुल्फ़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, अभी भी हम ज़रूर खाएंगे। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि अब बाबे की कुल्फ़ी है कौन सी ये अब कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ अब दर्जनों रेहड़ियाँ लग गई हैं और सब पे एक ही बाबे की तस्वीर लगी हुई है, या शायद दो बाबे मुख्तलिफ हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है, और सब इस बात के दावेदार हैं कि असल बाबे दी कुल्फ़ी एवे। अभी हम कुल्फ़ी भी खाएंगे, वो आपको दिखाएंगे भी। लेकिन एक और बात बताता हूँ, यहाँ हमारा शेर दलेर, हमारे पास बाने वतन, हमारी आर्मी का कैंट भी है। दोस्तों यहाँ बहुत सारी जगहों पर इर्द गिर्द लिखा हुआ है बाबा कुल्फ़ी, कुल्फ़ी वाले मशहूर बाबा जी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने अपने क्याफे से काम लिया और यहाँ गाड़ी रोकी है, और यहाँ से हम खाएंगे कुल्फ़ी। जी मुझे कुल्फ़ी दीजिए, और ये देखें, वाह स्वादी रावाली की कुल्फ़ी। अब मेरे बच्चों में भी सराहित कर चुकी है, मेरे बच्चे जो कॉलेज एड हैं जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो वो कहते हैं बाबा जी कुल्फ़ी खानी है रावाली की। तो ये कुल्फ़ी जब भी आप गुजरें तो रावाली से गुजरते हुए ज़रूर खाइएगा। ये कुल्फ़ी नहीं है, एक रिवायत है, जब आप खाएंगे तो ये रिवायत हमेशा कायम भी रहेगी, और यहाँ इतने सारे कुल्फ़ी वाले बैठे हुए हैं उनको अल्लाह ताला आपकी वसीले से रिस्क भी देगा।
गुजरांवाला और वजीराबाद के दरमियान जीटी रोड पर एक इलाका, एक शहर छोटा सा आता है, बड़ा खूबसूरत सा, इसका नाम है गक्कड़ मंडी। गक्कड़ मंडी में हैंडमेड चीज़ों के हवाले से ये बहुत मशहूर है। मैट्स के हवाले से, कालीन का भी काम होता है, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ी खूबी है और वो ये है कि पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रिड स्टेशन है वो गक्कड़ मंडी में है, सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद। चुनिया, काटे, चमचे, कफगीर, वजीराबाद। वजीर खान अमीर था शाहजहां के दौर में, मुगल बादशाह के दौर में, और उसने इस शहर को शाहजहां के कहने पर आबाद किया था। और ये शहर भी एक तारीखी हैसियत रखता है, और वजीराबाद जो है वो भी पाकिस्तान के जीडीपी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसका गेट देखें, बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है इसका। और दरियाए चनाब से पहले, जब आप लाहौर से वजीराबाद की तरफ आते हैं तो दरियाए चनाब से पहले ये शहर आबाद है, और बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे, बड़े मेहनती, और जो वर्किंग क्लास है, सफ़ेद पोश मेहनत कश मजदूर, वो इस शहर की शान भी हैं। और इस शहर के जो साहूकार हैं वो भी बड़े अच्छे लोग हैं। और ये रोड हमें ले जाएगा दरियाए चनाब की तरफ। वजीराबाद पहुंचते ही ये देखिए मिट्टी का तूफान शुरू हो गया, तेज हवाएं, आंधी, झक्कड़ चल रहे हैं। और आप देखें कि सामने से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपनी हेडलाइट्स ऑन इसलिए कर ली हैं कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। और ये देखिए बहुत मिट्टी उड़ रही है, और मौसम जो है वो क्लाउडी हो गया है। और ये सामने नज़र आ रहा है टाल प्लाज़ा, जिसको टूल प्लाज़ा कहते हैं, और यहाँ हम पैसे देंगे और हम दरियाए चनाब को क्रॉस कर जाएंगे। इस वक्त मैं दरियाए चनाब के पुल से गुज़र रहा हूँ, और दरियाए चनाब में पानी है, लेकिन आधे से ज़्यादा इसका पार्ट खुश्क है। और दोस्तों, चनाब एक बहुत पुरानी आबी गुजरगाह है, लेकिन दरियाए चनाब का ताल्लुक एक बहुत बड़ी रोमानवी कहानी से है, और उसका नाम था सोनी महीवाल। जी हाँ दोस्तों, ये चनाब वही दरिया है, वही जालिम दरिया जो दो प्यार करने वालों को जुदा कर गया। किस्सा कुछ यूँ था कि सोनी चनाब के शहर की तरफ, यानी कि जिस तरफ वजीराबाद है वहाँ रहा करती थी, और चनाब के दूसरी तरफ महीवाल का गांव था। और सोनी करती ये थी कि महीवाल से मिलने के लिए घड़े के ऊपर चनाब की लहरों से गुजर के लड़ती हुई मिलने के लिए आया करती थी महीवाल को। तो एक दिन किसी नामुराद ने, उसके किसी दुश्मन ने पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया, और सोनी उसी रूटीन में आई। उसने घड़ा उठाया उसी जगह से जहाँ रखा हुआ था, और उसके बाद वो जैसी चनाब में रख के उसने तैरना शुरू किया, तो वो कच्चा घड़ा था तो वो डूब गया। और उसके साथ इश्क, प्यार, मोहब्बत की एक अजीम दास्तान हमें सुनने को मिल गई, लेकिन दो दिल वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। दोस्तों, आपने सुना होगा, लंग आ जा पतन चना दा यार, लंग आ जा पतन चना दा। तो महीवाल जब तक जिंदा रहा होगा, करीम क्यास ये है कि वो चनाब के दूसरे किनारे पे खड़े होके ये गाता रहा होगा कि लंग आ जा पतन चना दा यार, लंग आ जा पतन चना दा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो पतन है चना का, ये बंदे का बंदे से मिलाप की बात भी है। इसके जो दो पार्ट हैं, ये दो बंदे हैं, एक मैं हूँ और बाकी दूसरा किनारा दुनिया के सारे लोग हैं, और बीच में एक बड़ा जोर आवर दरिया बहता है,
तकबर का, अना का, ताकत का, पैसे का और शोहरत का दरिया बहता है। इस पतन के चनाक को पार करना बहुत मुश्किल है हजरत इंसान के लिए। एक किनारा मैं, दूसरा किनारा दुनिया भर के सारे इंसान, और बीच में बिफरा हुआ दरिया जनाब का, अना का, तकबर का। और इसी दरिया को पार करने वाले सूफी गौस कुतुब अब्दाल कलंदर बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको पतन का, जनाब का ये पतन क्रॉस करने की तौफीक अता फरमाए। गुजरात पाकिस्तान का जो गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें सियालकोट है, गुजरांवाला है और फिर गुजरात है। मैं इस वक्त गुजरात से गुजर रहा हूँ और गुजरात एक बहुत कदीम आबादी है यहाँ की। इस शहर को बाकायदा तौर पर जब आबाद किया गया था तो वो दौर था शेरशाह सूरी का, और उसके बाद मंगोलों ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। फिर अकबर आज़म जब दोबारा आए तो अकबर आज़म के दौर में गुजरात को बाकायदा तौर पर रीबिल्ड किया गया, और फिर इसके गिर्दनवा के जो इलाके थे वहाँ गुजर रहा करते थे, उन गुजरों को रिक्वेस्ट की गई, उनमें सुलह करवाई गई और उसके बाद उनको यहाँ लाकर बसाया गया। ख्वास खान गवर्नर था रोहतास का, और इस इलाके का, गुजरात का जो पुराना नाम है वो था ख्वासपुर, और अब इसको हम गुजरात के नाम से जानते हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, और यहाँ पंखे के हवाले से गुजरात बड़ा मशहूर है। बड़े अच्छे पंखे बनते हैं यहाँ, और इंडस्ट्री है यहाँ। पाकिस्तान की तरक्की में गुजरात का और गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ है, और मोहब्बत करने वालों का शहर है। एक बात बड़ी अहम मैं आपको बताता जाऊँ, पहली बात तो ये है कि बारिश शुरू हो गई है। गुजरात के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊँ कि गुजरात शहर के 5 दरवाजे थे, और अब उस कदीम शहर के दरवाजे 4 तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब सिर्फ एक ही दरवाज़ा बचा है, और उस दरवाजे का नाम है दौला शाह या शाह दौला गेट उसको कहते हैं। और शाह दौला एक बहुत बड़े सूफी बुज़ुर्ग थे, और उनका यहाँ मज़ार शरीफ भी है, और बड़े अकीदतमंद वहाँ आते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। गुजरात से निकलते ही बारिश शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं लाला मूसा की तरफ, और चूंकि बारिश है तो नज़र सही से नहीं आ रहा, और मेरा वाइपर भी उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो हम जा रहे हैं लाला मूसा की तरफ। मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, इस इलाके का नाम है लाला मूसा। जी हाँ, इसके बारे में 2-3 तरह से इस इलाके की तारीख बयान की जाती है। एक तो ये है कि लाला भाई को कहते हैं, और मूसा एक कोई साहब थे यहाँ जिनके नाम पर इस इलाके का नाम लाला मूसा रखा गया। और दूसरी तारीख इसके हवाले से ये है कि 2 भाई थे, एक को लाला कहते थे और दूसरे का नाम मूसा था, और उन दोनों के मरने के बाद इस इलाके का नाम लाला मूसा रखा गया। लाला मूसा खारियाँ और गुजरात के दरमियान में वाक़ एक शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ के लोग भी मेहनत कश हैं, खेती बाड़ी से ताल्लुक़ है, इंडस्ट्री भी है यहाँ, और ये शहर भी पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब हम जा रहे हैं खारियाँ की तरफ, और मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहाना मौसम है, बारिश ख़त्म हो चुकी है और काले बादल आए हुए हैं, और बाहर का मंज़र बड़ा कमाल का मंज़र है, और गर्मी उस तरह से जो सुबह थी वो नहीं रही। तो इस वक्त हम जा रहे हैं खारियाँ की तरफ, और देखें कितना खूबसूरत मौसम है। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ खारियाँ। या खारियाँ के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कैंट है वो खारियाँ कैंट है, और हमारे शेर दलेर जवान यहाँ रहते हैं। दिफाई हवाले से बड़ा अहम शहर है। दोस्तों, ये जो अभी कुछ पहले
मैं दिखा नहीं सका आपको। यहाँ से दाएं हाथ एक सड़क जाती है जो लादियां पिंड को जाती है, गुजरात के बाद जब आप लाला मूसा क्रॉस करते हैं तो सीधे हाथ पर एक सड़क जाती है लादियां पिंड को। लादियां पिंड एक तारीखी अदवार से और अस्करी हवाले से बहुत मशहूर एक गांव है, एक बल्कि अब तो वो कस्बा तरक्की कर चुका है बहुत ज़्यादा। और वो ये है कि हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत और अस्करी हवाले से बहुत बड़ा नाम मेजर अजीज भट्टी शहीद का घर भी है वहाँ, और वो यहाँ लादियां पिंड पैदा हुए और शहीद होने के बाद उनकी मैयत को लादियां गांव में ही दफन किया गया। अब मैं जा रहा हूँ गुजरात की तरफ खारिया से झेलम की तरफ, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊँ जो मैं भूल गया अभी तक बताना, ये जो सारा एरिया है गुजरात का और उसके बाद लाला मूसा फिर खारिया झेलम और फिर अगर उस तरफ चले जाएं तो मंडी बहाउद्दीन और इस तरफ चले जाएं तो कश्मीर, ये सारा वो इलाका है दोस्तों जो पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है यहाँ के लोग। और वो इस तरह से कि पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो यूके में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, उन तमाम का ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो इन इलाकों से है। और एक और बड़ी खौफनाक बात जो मैंने देखी जब मैं तुर्की गया और मैं कुछ डंकरों से मिला, उन बच्चों से मिला जो डंकी मारते हैं और जो डंकी लगवाते हैं, उन एजेंटों से मिला, तो मुझे पता ये चला कि इन्हीं इलाकों के बच्चे सबसे ज़्यादा डंकी भी मारते हैं। डंकी कहते हैं इलीगली पाकिस्तान से यूरोप जाना है, वो यहाँ से सफ़र करके जाते हैं क्वेटा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से फिर यूनान निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये इलाका इस हवाले से बड़ा सपोर्टिव है और यहाँ के बड़े भले लोग हैं जो पाकिस्तान में डॉलर्स, पाउंड्स और दीगर करेंसियाँ बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, दिन रात बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं और ज़रे मुबादला इन इलाकों की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन इलाकों से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं। तो मैं इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुल्क से दूर रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और फिर वहाँ से डॉलर और पैसे कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो। आई लव ओवरसीज। गुजरात, लाला मूसा और फिर खारियां। दोस्तों खारियां जो है पाकिस्तान का सबसे अमीर इलाका इसलिए कहलाता है कि यहाँ खारियां के लोग बिलखसूस बाहर के मुल्कों में बहुत अरसों से, कई दहाइयों से सेटल हैं, जिनके बिजनेस हैं, जो कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा जो कैंट है वो यहाँ है, लेकिन ये कैंट इतना बड़ा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर ये कैंट आता है। तो खारियां कैंट इस हवाले से, और सबसे बड़ी बात जो आर्मी का यहाँ हॉस्पिटल है CMH, तो पूरी दुनिया में जो सेहत की सहूलतें हैं वो सबसे बड़ी सहूलत पाकिस्तान में भी जो मौजूद है वो खारियां में है। और यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, आप अगर देख सकें दिखाइएगा ज़रा कि यहाँ से पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है और शाम का टाइम है, बड़े खूबसूरत पहाड़ आप यहाँ देख सकते हैं और एक अजीब मैदानी इलाके के बाद इस तरह से पहाड़ों का आ जाना ये बड़ा प्यारा लगता है और बड़ा खूबसूरत मंज़र है अगर आप देख सकें। और मैं इस वक्त शाम होने को है, कासिम भट्टी मेरे साथ है और हम गुजर रहे हैं पहाड़ों के बीच में से। मैं इसको यहाँ का कलर कार कहता हूँ, ये जो मोड़ आते हैं यहाँ बड़े खौफनाक किस्म के मोड़ हैं, तो मैं इसको यहाँ का कलर कार कहता हूँ। जीटी रोड का जरनैली रोड, जी हाँ, जीटी रोड को जरनैली रोड भी कहते हैं और इस पर हम रवा दवा हैं और शाम का वक्त है तो झेलम मैंने पहुँचना है और अभी कुछ ही देर में मैं झेलम इंशाल्लाह ताला पहुँच जाऊँगा।
और तो फिर मैं झेलम पहुंच के आपको बताऊं। आखिरकार हम झेलम पहुंच गए। जी हाँ, दरियाए झेलम से पहले ये टोल प्लाजा है और यहाँ से हम गुजरेंगे और फिर आपको दिखाएंगे दरियाए झेलम भी और कुछ झेलम की हिस्ट्री भी बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए झेलम के किनारे और मैंने लाहौर से यहाँ तक सफर किया ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर और इस वक्त मगरिब से कुछ पहले का वक्त है और यह दरियाए झेलम जल कहते हैं पानी को और हम कहते हैं बर्फ़ को। जी हाँ, हिमालय की गोद से निकलने वाला ये दरिया, चूँकि हिंदुस्तान ने इसका पानी बंद कर रखा है तो इसलिए इतना बड़ा दरिया जिसका इतना बड़ा पार्ट है, मेरा ख्याल शायद आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा 1 किलोमीटर का पार्ट है, लेकिन ये खुश्क इसलिए है कि इसमें अब उस तरह से पानी नहीं आता। और दरिया झेलम की मुनासबत से इसके किनारे पर जो वाकया शहर है उसका नाम झेलम है और झेलम के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अब्रॉड में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ज़रिए मुबादला भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत हैं यहाँ, इंडस्ट्री भी है, इसके गिरदो नवा में काश्तकारी भी होती है, बिजनेस भी बहुत बड़े हैं लोगों के। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सिकंदर आज़म का घोड़ा यहाँ से कुछ फासले पर जलालपुर के मुकाम पर वो एक जंग के दौरान मरा था, उस हवाले से यहाँ उसकी एक कब्र भी है और यहाँ किला रोहतास है, एक बहुत बड़ा किला और बड़ा कदीम किला है। कभी अगर ज़िंदगी में वक्त हुआ तो मैं वो किला भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ तक आया था और यहाँ उसकी फ़ौजें लड़ी थी और मैं लाहौर से चला जीटी रोड से होता हुआ मैं पहुँचा झेलम और लाहौर टू झेलम का ये सफ़र मैं जितना आपको दिखा सकता था, जितना आपको बता सकता था मैंने बताया और मेरी इस काविश को सराहिएगा अगर आपको अच्छा लगे और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। पंजाब के लोग चाहे वो लाहौर के हों, झेलम के हों, खारिया के हों या जनूबी पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के लोग, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, मोहब्बत से रहना जानते हैं और सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है वो ये है कि ये जेनरस लोग हैं, रहमदिल लोग हैं, सखी बादशाह हैं। अल्लाह ताला इन सखी बादशाहों की सखावत को, पाकिस्तानियों की सखावत को, मोहब्बत को, प्यार को और बहमी मोहब्बत को कायम दायम रखे। इफ्तिखार रफी को दीजिए इजाज़त दरियाए झेलम के किनारे से, फिर अगले किसी भी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला में आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।